देश छोड़ते वक्त कुत्तों को ले गए और बीवियों को भूल गए। सुनने में ये भले ही अटपटा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है इतिहास में दर्ज जूनागढ़ के आखिरी नवाब मोहम्मद रसूल खान बाबी की। महावत खान के नाम से मशहूर जूनागढ़ के नवाब के पास लगभग 800 कुत्ते थे, जिनके लिए अलग अलग कमरे और अलग अलग नौकर थे। ये कुत्ते जब बीमार पड़ते थे तो इनका इलाज ब्रिटिश डॉक्टर्स किया करते थे। दोस्तों महावत खान को कुत्ते से इतना प्यार था कि उन्होंने जूनागढ़ में द डॉग वेडिंग ऑफ जूनागढ़ भी करवाई, जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा फीमेल डॉग रोशन आरा की शादी अपने दीवान के कुत्ते के साथ करवाई। इस शादी के लिए कार्ड भी छापे गए और पूरे जूनागढ़ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और तो और शादी में आए बाकी दूसरे कुत्तों की खूब आवभगत भी की। उस दौर के हिसाब से इस रॉयल वेडिंग पर कुल 22,000 का खर्च हुआ, जिसे अगर आज के दौर से आंका जाए तो ये खर्च करीबन 2.5 करोड़ के खर्च के बराबर होगा। कुत्तों की रॉयल वेडिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में रह रहे इन नवाबों की क्या ही ठाट रही होगी। हालांकि ये सभी नवाब अफगानिस्तान में कभी कबीलों में रहने पर मजबूर थे। भारत से मान सम्मान धन दौलत सब कुछ मिलने के बावजूद भी पार्टीशन के दौरान इन्होंने पाकिस्तान जाना ही सही समझा। यहाँ तक कि बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने का मन बना लिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से जूनागढ़ पाकिस्तान में नहीं हो पाया। पाकिस्तान जाते हुए महावत खान ने अपने हवाई जहाज के पिछले हिस्से में धन दौलत रखे तो अगले हिस्से में अपने पालतू कुत्तों को, बीच वाले हिस्से में उन्होंने कुछ कलाकार तथा अपनी बेगमों को रखा, लेकिन वो अपनी दो बीवियों को साथ ले जाना भूल गए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। महावत खान को धन दौलत विरासत में मिली थी। उन्होंने अगर किसी से प्यार किया था तो सिर्फ अपने पालतू कुत्तों से, इसीलिए वो ज्यादातर समय अपने पालतू कुत्तों के साथ बिताया करते थे या फिर विदेशों में। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत की आजादी का ऐलान हुआ तब महावत खान विदेश में छुट्टी मना रहे थे, लेकिन भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने ठीक 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जाने और जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय करने का ऐलान कर दिया। वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जूनागढ़ के लोग नवाब महावत खान को समझाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन भुट्टो और जिन्ना ने किसी को भी नवाब से मिलने नहीं दिया। आखिरकार जूनागढ़ के लोग विद्रोह पर उतर गए और उन्होंने अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम आरजी हुकूमत था। फिर एक एक करके उस सेना ने जूनागढ़ के सभी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। हालत ऐसे हो गए थे कि जूनागढ़ को भुट्टो के भरोसे छोड़कर महावत खान को 25 अक्टूबर 1947 की आधी रात को ही पाकिस्तान के लिए रवाना होना पड़ा। महावत खान के पास विमान एक और सामान अनेक थे, इसीलिए लोगों में ये जानने की उत्सुकता हो गई कि महावत खान अपने साथ क्या क्या ले गए और यहाँ क्या छोड़ गए। दोस्तों लोगों को हैरानी तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि उन्होंने अपनी बीवियों से ज्यादा तवज्जो अपने कुत्तों को दिया, यानी कि वो अपने साथ अपने कुत्तों को ले गए लेकिन अपनी बीवियों को नहीं। और ये खबर उस दौर में अखबार की सुर्खियां बनी। उस समय कराची पाकिस्तान की राजधानी थी और महावत खान को यही पनाह दी गई। महावत खान ने कराची से ही शाहनवाज भुट्टो को ये संदेश भेजा कि वहां की जनता पर जुल्म नहीं होना चाहिए और वो जूनागढ़ को भारत का ही हिस्सा रहने दे। महावत खान अपनी जनता से बहुत प्यार करते थे और इतिहास भी इसका गवाह है कि उनके शासन में जूनागढ़ में हैदराबाद और बंगाल की तरह कोई दंगे नहीं हुए। इधर शाहनवाज भुट्टो को अपनी चाल नाकामयाब होते हुए दिख रही थी और इस स्थिति में उन्होंने भारत सरकार को ये संदेश भेजा कि वो जूनागढ़ का विलय भारत में कर ले। और फिर शाहनवाज भुट्टो को भी नवंबर 1947 में पाकिस्तान आना पड़ गया। भुट्टो को पाकिस्तान में महावत खान से ज्यादा तवज्जो दी गई, उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए ज्यादा सुविधाएं दी गई। दरअसल भुट्टो एक चालाक किस्म का आदमी था, इसीलिए उसे पाकिस्तान की राजनीति में भी एक बड़ा पद दिया गया, जबकि भुट्टो के मुकाबले महावत खान एक सीधे सादे नवाब थे।
भारत में जूनागढ़ को विलय कराने के लिए लोगों की राय के आधार पर चुनाव करवाया गया, जिसमें भारत के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। जिन राजाओं और नवाबों ने अपनी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया, उन्हें खुश करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उन्हें कुल 34 विशेष अधिकार दिए गए। भारत सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह टैक्स नहीं देना पड़ता था और साथ ही उन्हें शाही भत्ता भी संविधान ने अनुच्छेद 291 के तहत दिया जाता था, जिसमें उन्हें 25,000 से लेकर 26,000 तक की राशि दी जाती थी। इन राजाओं और नवाबों के किले और महलों को भी उनके अधीन ही रहने दिया गया। इसके विपरीत नवाब महावत खान को पाकिस्तान में ऐसी सुविधाएं नसीब नहीं हुई सिवाय शाही भत्ता को छोड़कर। और फिर 1959 को नवाब का निधन हो गया। नवाब के गुजरने के बाद उनका बेटा जूनागढ़ का नवाब बना, जिसके पास कोई रियासत नहीं थी। उधर शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि असली सत्ता तो दीवान के बेटे के हाथों में थी। भारत में 1972 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने रियासतों को दिए जाने वाली शाही भत्ता को खत्म कर दिया, जिसका जनता ने पुरजोर समर्थन भी किया। इस फैसले से इंदिरा गांधी की छवि गरीबों की हितैषी वाली बन गई और इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिनकी वजह से पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान में इसका खूब बवाल हुआ और भुट्टो की खूब निंदा की गई। अब जुल्फिकार भुट्टो ने ये सोचा कि वो भी अपनी रियासतों को दी जाने वाली शाही भत्ता को बंद करके जनता में अपनी छवि सुधार ले। लेकिन जहां एक और भारत के पास शाही भत्ता देने के लिए 200 से ज्यादा रियासतें थीं, तो वहीं पाकिस्तान के पास कुछ गिनी चुनी रियासतें ही थीं। गरीबों का मसीहा बनने के चाह रखने वाले भुट्टो का ये दाव पाकिस्तान में उल्टा पड़ गया। भारत से पाकिस्तान गए नवाबों ने भुट्टो के इस फैसले का जमकर विरोध किया। उनके दिए गए बयान वहाँ के अखबारों की सुर्खियाँ बनने लगी। नवाबों के अनुसार पाकिस्तान बनने के वक्त उन्होंने अपने खजाने तक को पाकिस्तान के लिए खोल दिया था और अब सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, जिस वजह से वे काफी नाराज थे। अगर इन नवाबों को पता होता कि पाकिस्तान में उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वो कभी पाकिस्तान ही नहीं आते। आखिरकार काफी उठा पटक करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नवाबों के लिए एक पेंशन तय किया। हालांकि ये पेंशन भी नवाबों के लिए काफी कम था। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान में शामिल हुए रियासतों के नवाबों की कोई पहचान ही नहीं बची थी। वहीं शाहनवाज भुट्टो के बाद जुल्फिकार भुट्टो और फिर उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। इधर जूनागढ़ में नवाब महावत खान के वंशज उनके लिए गए फैसले पर अफसोस जताते रहते हैं। उनके अनुसार अगर महावत खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला ना किया होता तो आज उनकी रियासत, उनकी छवि और उनकी साख कई ज्यादा बेहतर होती। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि कैसे महावत खान का प्रेम अपने कुत्तों के प्रति इस हद तक था कि वो अपनी बीवियों तक को पाकिस्तान साथ ले जाना भूल गए और उनका पाकिस्तान जाने का फैसला अंत में बुरा ही साबित हुआ, जिसके तहत उन्होंने अपनी वो छवि खो दी जो छवि और जो सम्मान उनका भारत में हुआ करता था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।